करीब 52 साल के बाद अमेरिका ने एक निजी कंपनी का मून लैंडर चंद्रमा की ओर भेजा। ये यान अभी धरती और चंद्रमा के बीच रास्ते में है। उसने वहां से पहली तस्वीर भेजी जिसमें हमारी खूबसूरत नीली धरती दिखाई दे रही है। साथ ही यान का कुछ हिस्सा और लैंडिंग करने वाले लेग्स दिखाई दे रहे हैं। इस लैंडर का नाम है ओडिसियस। इसे इंट्यूसिव मिशन ने बनाया है। 15 फरवरी को लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद जब फाल्कन 9 रॉकेट ने यान को अंतरिक्ष में छोड़ा, इसके बाद इसने धरती के साथ सेल्फी ली। इस यान को नासा के स्पेसएक्स के रॉकेट ने लॉन्च करवाया था। ओडिसियस में नासा के 6 एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं। मिशन का नाम है IM-1 मिशन। पहले ये लॉन्चिंग 14 फरवरी 2024 को होना था, लेकिन तकनीकी वजह से उसे टाल दिया गया। बाद में लॉन्चिंग फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से की गई। सब कुछ सही रहा तो चांद पर इसकी लैंडिंग 22 फरवरी 2024 को होगी। कुल मिलाकर ये 16 दिन का मिशन है। यानी नोवा सी ओडिसियस लैंडर चांद की सतह पर उतरने के बाद 7 दिन तक काम करेगा। फिलहाल आपको नासा के मून लैंडर की भेजी तस्वीर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।